पेशाब सी आ रही है, प्यास सी लग रही है, हालांकि न पेशाब आ रही है न प्यास लग रही है, लेकिन मजमे में से उठाना है कोई तो बहाना चाहिए, तो बहाने से मजलिस में से आदमी को उठा देता है और मजलिस की खैर से महरूम कर देता है। इसके लिए पहले से ही उसके लिए जगह छोड़ना ही नहीं बीच में, बल्कि खूब अच्छी तरह मिल मिल कर बैठ जाना है, उसको मौका ही नहीं मिले बीच में आने का। बात शुरू से लेकर आखिर तक सुननी है, पूरी बात सुनेंगे इंशाल्लाह, अमल की नीयत से सुननी है और पूरे आलम में लेकर जाने की नीयत से सुननी है। पूरे आलम में जाकर इंसानों को ये बड़ी बातें बताएंगे, समझाएंगे, सुनाएंगे, ताकि सारे इंसान भले बन जाए और अल्लाह की रहमत में आ जाए। ठीक है इंशाल्लाह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دین اسلام اتارا ہے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اللہ کے یہاں زندگی گزارنے کا جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر آئے گا فرمایا ہمارے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی آخرت اجڑ جائے گی، اس کی موت مشکل ہو جائے گی، قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، پل صراط پر سے کٹ کر یہ جہنم میں گر جائے گا، کبھی وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہر انسان کی کامیابی کے لیے اللہ نے دین اسلام اتارا ہے۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہم کو عطا فرمایا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ اسلام پر ہم کو زندگی عطا فرمائے اور اسلام ہی پر موت عطا فرمائے، اس لیے کہ خاتمے کا اعتبار ہے کہ خاتمہ کس پر ہوتا ہے، تو آدمی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جیسی زندگی ہوگی ایسا اسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ایسا قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہوگا۔ جو مسلمان بن کر دنیا میں جیے گا وہ مسلمان بن کر مرے گا، اور جو مسلمان بن کر کے مرے گا وہ مسلمان بن کر قیامت کے دن اٹھے گا۔ اس لیے بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کا راستہ صرف دین اسلام کا ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں،
तिजारत है, खेती है, मुलाजिमत है, हुकूमत है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, ये सारे शोबे हैं जिसमें लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में लगते हैं। ऐसे ही दुनिया में इंसानों पर 6 बुरे हालात आते हैं, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी बीमारी है, कभी तंदुरुस्ती है, कभी राहत है, कभी तकलीफ है, कभी अमन है, कभी खौफ है। ये हालात है जो दुनिया में आते रहते हैं। तो इन असबाब और हालात का ताल्लुक न तो कामयाबी के साथ है और न तो नाकामी के साथ है, बल्कि सिर्फ इम्तिहान के लिए है। अल्लाह ताला हर इंसान को मुख्तलिफ शोबों में रखकर और मुख्तलिफ हालात में रखकर अल्लाह आजमाना चाहते हैं कि उस सबब में और उस हाल में हुक्म पूरा करता है या अपनी चाहत पर चलता है। इसलिए कि दुनिया में जीने के दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता हुक्मों वाला रास्ता है और एक रास्ता मनमानी वाला रास्ता है, चाहत वाला, ख्वाहिश वाला रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। हुक्मों वाला रास्ता ये नबियों वाला रास्ता है। सारे नबी अपने अपने जमाने में इंसानों के पास अल्लाह के अहकाम लेकर आते हैं, ये करना है और इससे बचना है, ये दो लाइन के अहकाम आते हैं। करने के अहकाम होते हैं कि ये करना है, बचने के अहकाम होते हैं किन चीजों से बचना है। तो हर जमाने में नबी हुक्मों को लेकर अल्लाह की तरफ से आते हैं, ये नबियों वाला रास्ता है। दूसरा रास्ता ख्वाहिशात वाला रास्ता है, ये फिरौन का, नमरूद का, शद्दाद का, हामान का, कौम शुएब का और कौम आद का रास्ता है। सबने अपनी जिंदगी का मकसद ख्वाहिश पूरा करना बनाया था कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, खाने के लाइन की, कपड़ों के लाइन की, मकानात के लाइन की, सवारियों के लाइन की और औरतों के लाइन की ख्वाहिश पूरी हो जाए। सबकी जिंदगी का मकसद एक था, रास्ता सबने अलग अलग लिया। किसी ने मुल्क का रास्ता लिया, किसी ने माल का लिया, किसी ने तिजारत का लिया, किसी ने बागात का लिया। सबका मकसद एक था कि ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हुक्मों पर चलने वालों का अंजाम बयान किया और ख्वाहिशात पर चलने वालों का भी अल्लाह ने कुरान में तफसील से अंजाम बयान किया। ये ख्वाहिशात वाला रास्ता नाकामी तक जाता है और हुक्मों वाला रास्ता जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमसे पहले दुनिया में जो लोग आबाद हुए उन दोनों के अंजाम को बयान फरमाया है। हुकूमत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास में भी थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में भी थी और हुकूमत फिरौन के पास भी थी और नमरूद के पास में भी थी। तो फिरौन और नमरूद हुकूमत में नाकाम हो गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम हुकूमत में कामयाब हो गए। माल कारून के पास में भी था और माल हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास में भी था रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। तो कारून अपने माल के साथ जमीन में कयामत तक दस्ता ही चला जाएगा, अल्लाह ने नाकाम कर दिया। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उन खुश नसीब 10 सहाबा में से है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दिया कि जन्नती है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। हालांकि कितना माल था इनके पास, उनके पास इतना माल था कि जब इनका इंतकाल हुआ है और वारिसों में सोने को तकसीम करने के लिए सोने की ईंटों को काटा गया है तो काटने वालों के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन इतना माल होने के बावजूद भी वो बामुराद है, कामयाब है और कारून अपने माल के साथ नाकाम है। ओहदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी थी, वो भी वजीर मिस्र थे, और ओहदा हमान के पास था तो हमान नाकाम हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी वजारत में कामयाब हो गए। तिजारत कौम शुएब के पास थी, अल्लाह ने कौम शुएब को तिजारत में उजाड़ दिया और मदीना मक्का मुकर्रमा के रहने वाले मुहाजिरीन भी तिजारत पेशा थे, अल्लाह ने उनको तिजारत में चमका दिया। बागात कौम सबा के पास में भी थी और बागात अंसारी मदीना के पास में भी थे, मदीना मुनवरा के रहने वाले बागात के मालिक थे खजूरों के। तो अल्लाह ने इनके खजूरों में वो बरकत अता फरमाई कि आज 1400-1500 साल से पूरी दुनिया उन खजूरों को खा रही है और अपने यहाँ लेकर जा रही है लेकिन खत्म होकर के नहीं दिया।
तो अल्लाह तआला ने बागात में इनको चमका दिया और कौम सबात को बागात में उजाड़ दिया। इसलिए समझने की बात करें दोस्तों, ये है कि अल्लाह की यहां कामयाबी का रास्ता सिर्फ दीन का है, कि जिस शोबे में भी इंसान ईमान वाला रहे, ईमान वाला जिस शोबे में भी रहे उस शोबों में हुक्मों की रियायत के साथ रहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की रियायत के साथ रहे। दावत और तबलीग का काम किसी के शोबे को छोड़ाने का काम नहीं है या किसी के कारोबार को उजाड़ने का काम नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात की मेहनत है कि हर मुसलमान ने अपने अपने शोबों में और अपने अपने हालात में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जीना आ जाए और वो ताकत पैदा हो जाए उसकी मेहनत दावत और तबलीग के रास्ते से। इसलिए कि आदमी दीन के साथ जिस शोबे में भी चलेगा वो शोबा उसको अल्लाह तक और जन्नत तक पहुंचा देगा। हदीस पाक में आता है التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين او كما قال عليه الصلاه والسلام کہ تاجر ہے لیکن امانت دار ہے اور سچائی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی تجارت دنیا نہیں ہے اس کی اس تجارت پر اللہ قیامت کے دن وہی اکرام کریں گے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے। एक आदमी मजदूरी करता है, अल्लाह ने उसके नसीब में गुर्बत देखी है, रोज कमाता है रोज खाता है, फरमाया लेकिन हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और अपने काम को हुक्म के मुताबिक करता है, तरीके के मुताबिक करता है, तो हदीस से बाद में आता है कि शाम को जब ये थक कर अपने घर पर वापस आता है अल्लाह मुकद्दर की रोजी भी दे देते हैं और उसकी मगफिरत भी फरमा देते हैं, रोज के रोज उसके सारे गुनाह माफ होते रहते हैं थकने की बरकत से। एक आदमी खेती करता है तो फरमाया खेती जब तक हरी भरी रहती है वो अल्लाह की तस्बीह करती है और उस तस्बीह करने का सवाब किसान को मिलता है, जो खेती का मालिक होता है उस तस्बीह का सवाब इसको मिलता है, और उसमें जानवर दाना खा जाए या चोर चोरी कर जाए फरमाया उस पर इसको सदके का सवाब मिलेगा। एक आदमी को अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई है और ये हुकूमत में इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारता है, इताअत के साथ, हुक्मों की रियायत के साथ, फरमा कयामत के दिन अल्लाह ताला इसको अर्श के साए में जगा देंगे जबकि अल्लाह के साए का सिवा कोई साया नहीं होगा। तो हुकूमत करके ये नाकाम नहीं है, हुकूमत करके इतनी बड़ी कामयाबी इसको मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, दावत और तबलीग की मेहनत किसी के शोबे को बदलने की या बंद करने की मेहनत नहीं है, बल्कि इस बात की मेहनत है कि हर मुसलमान में वह ताकत पैदा हो जाए जो अल्लाह के हुक्मों पर इसको खड़ा कर दे। अल्लाह की तरफ से फराइज है जिसको हुकूक कहा जाता है, और अल्लाह की तरफ से मुहर्रमात है, हराम है, जिसको हुदूद कहा जाता है, और दीन इन चीजों दो चीजों का नाम है। हुकूक का उसको अदा करना है और हुदूद है उससे बचना है। फराइज है जिंदगी में कायम करना ही, हराम से अपने आप को बचाना ही, और दीन की मेहनत का जो तकाजे जिस वक्त में आ जाए उस तकाजे पर कदम उठाना है, इतनी ताकत का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज आई नहीं। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज आई नहीं और सलाते जनाजा जो है वो फर्ज किफाया है, कि शहर में से 10 आदमियों ने जनाजे की नमाज पढ़ ली तो सब पर से साबित हो जाएगा, लेकिन 5 वक्त की नमाज ये फर्ज आई नहीं, हर एक को पढ़नी पड़ेगी, 5 आदमियों के पढ़ने से दूसरों के जिम्मे से साबित नहीं होगा। तो जिस तरह फराइज ये फर्ज आई नहीं, ऐसा ही इतनी ताकत का पैदा करना जो अल्लाह के फराइज पर खड़ा कर दे, हराम से बचा दे और दीन की मेहनत के तकाजे पर खड़ा कर दे, इतनी हिम्मतदार हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज आई नहीं, ताकि इसके रास्ते से जिंदगी में पूरा दीन आए और हकीकत के साथ आए। इसलिए कि दीन है लेकिन अधूरा है, और अधूरा दीन किसको कहते हैं,
कि अल्लाह ने करने के जितने काम बतलाए हैं कुछ किया कुछ को छोड़ दिया। अल्लाह ने कुछ चीजों से बचने का हुक्म दिया है, कुछ चीजों से बचे कुछ चीजों से नहीं बचे, ये अधूरा दीन है। तो जब जिंदगी में दीन अधूरा होगा तो अल्लाह की तरफ से कामयाबी नहीं आएगी बल्कि हालात आएंगे। इसीलिए फरमाया मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। फरमाया जो कोई मुसीबत भी तुम्हारे पर आ रही है तुम्हारे हाथों के गलत कामों की वजह से आ रही है, और बहुत सारी गलतियां तो है जिसको अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी अन्नास लियुज़ीकहुम बाद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फरमाया खुश्की और गली में फसाद के हालात पैदा हो गए कि चारों तरफ बदअमनी है, चारों तरफ नफरतें हैं, चारों तरफ दुश्मनियां हैं, चारों तरफ लोगों की जानमाल आबरू गैर महफूज है। फरमाया हालात इसलिए पैदा हो गए कि इनके हाथों से गलत गलत काम हुए हैं अल्लाह के नाफरमानी के। तो अल्लाह ताला ये हालात दुनिया में इसलिए रहते हैं ताकि आदमी अल्लाह की तरफ रुजू करे। ये भी रहमत है कि मौत से पहले पहले अगर आदमी ने तौबा तिल्लाह कर लिया, अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, तो उसका काम बंद हो गया, बन गया। इसलिए कि अल्लाह की बड़ी शान है, अल्लाह तस्बीह पढ़ने वाले को भी पसंद करते हैं और गलती करके तौबा मांगने के वाले को भी पसंद करते हैं। जो तस्बीह पढ़े अल्लाह उससे मोहब्बत करे, और जो गलती करके तौबा मांग काम करे अल्लाह उससे भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को महबूब रखते हैं कि गलती हो गई है तो माफी मांग रहे हैं। हदीस से पाक में आता है कि अगर आदमी की गुनाह इतने हो जाए कि आसमान को छू ले, यानी पूरी दुनिया गुनाहों से भर जाए, और फिर उसके ऊपर नदामत जाहिर हो जाए, पछतावा हो जाए कि मैंने क्या किया, मेरे अल्लाह की नाफरमानी किया जिस अल्लाह ने इतने अहसानात मेरे पर किया है, और यूं कह दे वे तीन मरतबा नदामत के साथ अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर ले। अल्लाह फरमाते मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और मुझे इस बात की परवाह नहीं होगी कि इतने बड़े गुनहगार को कैसे माफ करूं। इसलिए कि अल्लाह माफी को बहुत पसंद करते हैं। किताबों में एक वाक्य आता है, एक आदमी ने 100 आदमियों को कत्ल किया, उसके बाद उसमें नदामत पैदा हुई कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा इतने गुनहगारों गुनाहों के साथ। तो अल्लाह वालों से कहा कि मेरी तौबा मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तौबा तो मुमकिन है, लेकिन जिस बस्ती में तू रहता है वो बस्ती बुरे लोगों की बस्ती है, तो इस माहौल में तू अपनी तौबा पर कायम नहीं रह सकेगा। इसलिए अगर तुझे तौबा करनी है तो सामने एक नेक लोगों की बस्ती है वहां चला जा, वहां तेरी तौबा कबूल भी हो जाएगी, अपनी तौबा पर तू साबित कदम भी रह सकेगा। तो तौबा की नीयत से इसने चलना शुरू किया। अल्लाह का करना ऐसा कि अभी बस्ती में पहुंचा नहीं है और रास्ते में इसकी मौत का वक्त आ गया, तो रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्ते कहते हैं गुनहगार है, हम इसको लेकर जाएंगे, और रहमत के फरिश्ते कहते हैं कि तौबा के लिए निकला है, हम लेकर जाएंगे। तो फैसला कौन करे? अल्लाह ने एक फरिश्ते को फैसल बना करके भेजा। उसने ये फैसला किया कि जमीन को नापो कि एक नेक लोगों के करीब है कि बुरे लोगों के करीब है। तो जमीन तो बुरों के करीब थी, लेकिन अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि बुरों से दूर हो जा और नेकों के करीब हो जा, और रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को लिया। तो अल्लाह की बड़ी शान है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बुनियादी बात समझने की है कि ये ताकत क्या पैदा करना जो पूरे दीन पर खड़ा कर दे और पूरे हराम से बचा दे और अल्लाह के दीन की मदद करने पर खड़ा कर दे, इतना यकीन बनाना, इतनी ताकत पैदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जरूरी है। अब समझना मेरे दोस्तों ये है कि पूरा दीन क्या है। इसलिए कि दीन के बारे में हमारा नजरिया इतना गलत हो चुका है कि हर आदमी अपने आप को इंतहाई बेदीनी के बावजूद अपने आप को दीनदार समझता है। बेदीनी कूट कूट के भरी हुई है जिंदगी में,
लेकिन वो अपने को दीनदार समझता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दीनदार हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि दीन के मामले में हम दुनिया में अपने से नीचे वालों को देखते हैं और दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। सौ पति हजार पति को देखता है और हजार पति लखपति को देखता है, लखपति करोड़पति को देखता है, करोड़पति मुल्क वाले को देखता है, छोटा मुल्क वाला बड़े मुल्क वाले को देखता है। तो हर आदमी समझता है मैं तो फकीर हूं, वहां पहुंचूंगा तो मालदार बनूंगा। इसलिए कि दुनिया के मामले में ऊपर देखने की आदत बनी हुई है सबकी और दीन के मामले में नीचे देखने की आदत बनी हुई हमारी अपने माहौल में। हर आदमी देखता है कि मैं तो पांच वक्त का नमाजी हूं। बहुत सारे मुसलमान तो पांच वक्त ही नहीं पढ़ते, वो तो तीन वक्त ही पढ़ते हैं, मैं तो उनसे अच्छा हूं। तीन वक्त वाले जुमा वालों को देखते हैं, हम तो तीन वक्त ही पढ़ते हैं, बहुत सारे सिर्फ जुमा के पढ़ते हैं, हम तो उनसे अच्छे हैं। जुमा वाले उनको देखते हैं जो जुमा भी नहीं पढ़ते, हम तो उनसे अच्छे हैं। और जुमा वाले उनको देखते हैं शराबी कबाबी को कि हम तो नमाजी तो नहीं पढ़ते, हम शराबी कबाबी है। और शराबी कबाबी बेईमान को देखते हैं कि हम तो कलमा पढ़ते हैं, जन्नत हमारे बाप की है, आप इन बेईमानों को जाकर कलमा पढ़ाओ, हमको क्या तब्दील करते हो। मेरे दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, हमारा अलमिया पूरी उम्मत का अलमिया ये है कि दीन के मामले में नीचे देख रहे हम लोग, हालांकि दीन के मामले में ऊपर देखने का हुक्म है और दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखने का हुक्म है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से। फरमाया कोई भी आदमी अल्लाह के यहाँ पर साबिरीन में से और शाकिरीन में से नहीं हो सकता है जो दीन के मामले में ऊपर न देखे और दुनिया के मामले में अपने से नीचे न देखे। और सब्र और शुक्र ये दो सवारी है जो अल्लाह तक जाती है। अल्लाह तक पहुंचने का और जन्नत तक जाने का क्या रास्ता है? एक शुक्र का रास्ता है और एक सब्र का रास्ता है। नियामत आई है तो शुक्र करें, तकलीफ आई है तो सब्र करें, दोनों हालतों में अल्लाह तक जाएगा, जन्नत तक जाएगा। तो साबिर और शाकिर बनने का रास्ता ये बताया कि दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो और दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखो। ऊपर वाले किसको देखें? हमारे लिए और कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए नमूना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक को मुकय्यद किया है अपने और अपने सहाबा के साथ। आपसे पूछा गया हक क्या है? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, फरमाया जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है वो हक है। कयामत तक हक के समझने का मैयार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जमात है। तो हमेशा अपनी दीनदारी को सहाबा के आईने में देखना कि मेरी दीनदारी में और सहाबा की दीनदारी में क्या फर्क है, तब पता चलेगा कि मैं कितना बीमार हूं, कितने इलाज की मुझे जरूरत है। और जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तो इलाज का फिक्र नहीं पैदा होगा। हालांकि कैंसर है अंदर लेकिन एहसास नहीं है बीमारी का, तो इलाज का फिक्र नहीं है। और जब बीमारी का पता चलेगा तो आदमी जो है वो अपनी दुकान बेचकर इलाज कराएगा, अपने बीवी के जेवर बेचकर इलाज कराएगा, जमीन का टुकड़ा है वो बेचकर इलाज कराएगा। वो जानता है ये कैंसर है, मुझे मौत के बगैर छोड़ेगा नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी कमजोरी उस वक्त पता चलेगी जब हम अपने चेहरे को सहाबा के आईने में देखेंगे। दावत और तबलीग की मेहनत अपने गलत माहौल से निकलकर उस माहौल में आने की ये मेहनत है जिस माहौल में आकर हम अपने चेहरे को सहाबा के आईने में देखें कि मेरी दीनदारी में और सहाबा की दीनदारी में क्या फर्क है। जो फर्क है वो फर्क मुझे खत्म करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करना है। जब वहां तक पहुंचने की एक आदमी कोशिश करेगा तो या तो अल्लाह उसको वहां पहुंचा देंगे। इसलिए कि सहाबा को सहाबा जो बनाया है वो अल्लाह ने बनाया है। वो अल्लाह आज के जमाने भी इस बात के कादिर है कि सही मेहनत के रास्ते से हर इंसान को वहां तक पहुंचा दे जहां पर सहाबा पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी सहाबी बन जाएगा, सहाबी कोई नहीं बन सकता, याद रखो। सहाबी बनने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखना जरूरी है, जो हमारे लिए आसान नहीं है।
लेकिन जो बुनियादें सहाबा ने थी वो बुनियादें कयामत तक उम्मत में जिंदा हो सकती है, और जब वो बुनियादें जिंदा हो जाएगी तो अल्लाह इनको अल्लाह ऐसा ही महबूब रखेंगे जैसा अल्लाह ने सहाबा को अपना महबूब बनाया, और जैसा अल्लाह सहाबा से राजी हो गए ऐसे अल्लाह हमसे राजी हो जाएंगे अगर इन बुनियादों को सामने रखकर हम चलना शुरू करेंगे। या तो अल्लाह हमको पहुंचा देंगे, और अगर नहीं पहुंचे और चलते चलते रास्ते में मर गए तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह इनके साथ हमारा हशर फरमाएंगे। इसलिए कि अल्लाह के दाद और दहेज का निजाम अलग है और दुनिया वालों का निजाम अलग है। हदीस पाक में आता है कि एक आदमी ने कुरान हिफ्ज करना शुरू किया और हिफ्ज पूरा नहीं हुआ और मर गया तो अल्लाह कयामत के दिन इसको हाफिज उठाएंगे, पूरा हाफिज उठाएंगे। एक आदमी हज के लिए डबलिन से निकला एयरपोर्ट पर, उसका इंतकाल हो गया अहराम की हालत में, अल्लाह कयामत के दिन इसको हाजी उठाएंगे। अल्लाह के दादो दहेज का ही निजाम है। तो जब सहाबा को मंजिल बनाकर चलना शुरू करेंगे और मेहनत करते हुए जिएंगे और मरेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह वहां तक पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचे तो उनके साथ हशर फरमा देंगे। जो पहुंच जाएगा वो भी चमक जाएगा, और जिनका हशर इनके साथ हो जाए वो भी चमक जाएगा। इसलिए पूरा मजमा तय करो कि हमें वहां तक पहुंचने की नियत के साथ जीना है, जो हमें जीना है उसके लिए। अब मेरे दोस्तों ये समझना है कि सहाबा में क्या था। फरमाया 100% सहाबा में दो बुनियादें एक साथ जिंदा थी। एक तो हर फर्द उम्मत में, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, जवानों में, मालदारों में, गरीबों में, पूरा पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ जिंदा था। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया को यह दावत दी, अस्लिमो तस्लमो, का इस्लाम लाओ सलामती मिलेगी। दुनिया में सलामती आ नहीं सकती इस्लाम के बगैर, और दुनिया में अमन आ नहीं सकता है ईमान के बगैर। जितनी चीजें बढ़ेगी इतने मसाइल बढ़ेंगे, याद रखो आप, और आने वाला दिन परेशानी लेकर आएगा इंसानियत के लिए। दुनिया में अमन का रास्ता ईमान का रास्ता है, और सलामती का रास्ता इस्लाम का रास्ता है। तो ये दावत देते थे, लोग पूछते थे कौन सा इस्लाम, तो फरमाते थे कुनु मिस्लना, हमारे जैसे हो जाओ। उनकी दावत क्या थी कि इस्लाम लाओ सलामती मिलेगी। कौन सा इस्लाम, और मैं हमारे जैसे हो जाओ। हमारी जिंदगी वो है जिस जिंदगी पर अल्लाह ने अपनी रजा की मोहर लगाई हुई है। सिर्फ सहाबा के बारे में ये कहा जाता है रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, बाकी सब औलिया अल्लाह के लिए रहमतुल्लाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, नवरल्लाहु मरकदहु कहा जाता है, बहुत सारी दुआएं, लेकिन रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु सिर्फ सहाबा के लिए कहा जाता है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने अपनी रजा सहाबा के लिए उतार दी है कि ये मजमा वो है जिससे अल्लाह राजी है और ही अल्लाह से राजी है, दोनों तरफ एक दूसरे से राजी है। तो एक तो पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ 100% सहाबा की जिंदगियों में था। दूसरी बुनियाद सहाबा ने यह दी कि उन्होंने अपनी जान माल को अल्लाह के दीन के मुकाबले में बेकीमत बनाया था। अल्लाह और अल्लाह के दीन सबसे ज्यादा कीमती है। अल्लाह के नाम पर लगाने का तकाजा होगा तो एक जान भी लगा सकते हैं और पूरे घराने को भी लगा सकते हैं, और अल्लाह के दीन पर लगाने का तकाजा है तो अपनी जात को भी लगा सकते हैं, अपनी पूरी बिरादरी को भी लगा सकते हैं। और एक रुपया लगाने का तकाजा है तो एक रुपया लगाएंगे, और अगर झाड़ू मारकर लगाने का तकाजा है तो झाड़ू मारकर इस यकीन के साथ लगाएंगे कि अल्लाह की निस्बत पर जब सारा लगा देंगे तो अल्लाह उजाड़ेंगे नहीं, अल्लाह आबाद कर देंगे। इसलिए कि अल्लाह से मामला करने वाला कभी भी घाटे में नहीं रहता, याद रखो अल्लाह से जो मामला करे वो कभी घाटे में नहीं रहेगा। हिजरत के वक्त में हजरत सुहेब मक्का से रवाना हुए तो मक्के वालों ने उनको पकड़ लिया, तो उन्होंने ये कहा कि देखो एक सौदे की बात बताऊं तुम्हारी भलाई की, कि मक्का में फुलानी जगह पर मेरा माल है, मुझे छोड़ दो तो माल का पता बता दो मैं तुमको, वो माल तुम ले लो और मुझे छोड़ दो। तो जो लोग जो है उनके आखिरत सामने होती, उनके सामने तो माल ही होता है,
अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है, तुम जाओ ना जाना हो तो, लेकिन माल देकर जाओ। इन्होंने माल का पता बता दिया और ये पहने कपड़े मदीना पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुहेब को देख कर यूं फरमाया, रबी अल्बे ओ या अबा यहया, अबू यहया बहुत नफे का सौदा करके आए हो। क्या करके आए? बहुत नफे का सौदा करके आए, हालांकि लुट लुटा करके आए थे, पहने कपड़ों में आए थे। और यूं आता है किताबों में कि मदीना मुनवरा में जो बहुत ज्यादा खर्च करने वाले थे उसमें हजरत सुहेब थे। अल्लाह ने इतना दिया अपने खजाने से। हजरत उमर फरमाते थे कि सुहेब तुम इसराफ करते हो। फरमाया मैं इसराफ नहीं करता, खैर के कामों में खर्च करता हूँ, और खैर के कामों में इसराफ नहीं होता। कितना भी लगाओ, ख्वाहिशात पर लगाना ये इसराफ है, और खैर के कामों में लगाना कोई इसराफ नहीं। करोड़ लगा दो, सब लगा दो, तो भी वो इसराफ नहीं है। अल्लाह के हुक्म का लगा दो, अल्लाह के मखलूक की हमदर्दी खैरखाई में लगा दो, उसमें इसराफ नहीं। तो अल्लाह ने इतना दिया कि अल्लाह के साथ में मामला किया। इसलिए ये दो बातें 100% सहाबा में थी, और वहां तक पहुंचने के लिए उनकी जिंदगी में सबसे पहली जो बुनियाद थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कमाल था। वो फरमाते ताअल्लमनल ईमान सुम्मा ताअल्लमनल कुरान, पहले हमने ईमान सीखा, और ईमान सीखा तो कुरान सीखना हमारे लिए आसान हो गया, और कुरान पर अमल करना भी आसान हो गया। इसलिए कि ईमान के सीखने में यकीन ये बना कि जब अपने अल्लाह को हुक्म पूरा करने से राजी कर देंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत बना देंगे। तो अब अल्लाह के हुक्म जब भी आए तो 100% अहकाम का अमल पर अमल कर दिया। उनके बारे में आता है कानू किताब अल्लाह यमशून अला अर्द, जमीन पर अल्लाह की चलती फिरती किताब थे। कुरान समझने के लिए इनकी जिंदगियां देखकर समझ सकते थे। किसी ने पूछा कुरान कहां है, एक सहाबी की तरफ इशारा करके फरमाया हाजा किताब अल्लाह यमशी अला अर्द, ये अल्लाह की किताब है जो जमीन पर चल फिर रही है। अल्लाह ने कुरान में जितने करने के अहकाम दिए हैं सब पर इनकी जिंदगी में अमल है। जितनी चीजों से बचने का हुक्म है सारी चीजों से जिंदगी बची हुई है। जिन सिफात से मुतसिब होने का हुक्म है वो सारे सिफात इनकी जिंदगी में है। तक्वा है, तवक्कुल है, सब्र है, एहसान है, शुक्र है, तवाज़ु है, हुब्बे आखिरत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, ये सब इनकी जिंदगी में है। हसद है, कीना है, निफाक है, शिकाक है, वो सबसे इनकी जिंदगी पाक है। अल्लाह ने यही हुक्म दिया है करना और बचना, ये सिफात अपनाना है, इन सिफात बुरे सिफात से बचना है। फरमाया सब इनकी जिंदगी में है, मर्दों में भी और औरतों में भी। तो उसकी बुनियाद क्या है कि सबसे पहले मेहनत करके ये यकीन बनाया कि हमारी जिंदगी के बनने बिगड़ने का ताल्लुक मुल्क माल से नहीं है, डिग्री और वहदों से नहीं है, चीजों और सामानों से नहीं है, बल्कि सिर्फ अल्लाह की जात के साथ है। अल्लाह ही जिंदगियों को बनाते हैं और अल्लाह ही जिंदगियों को उजाड़ते हैं। आज तक जितनों की बनी है अल्लाह के बनाने से बनी है, और आज तक जितनों की उजड़ी है अल्लाह के उजाड़ने से उजड़ी है। सबसे पहले हर ईमान वाले का यकीन बने कि मेरी जिंदगी के बनने का ताल्लुक सिर्फ एक अल्लाह की जात के साथ है। जैसा रात दिन अल्लाह लाते हैं, जिंदगी मौत अल्लाह लाते हैं, गर्मी सर्दी अल्लाह लाते हैं, बारिश का मौसम अल्लाह लाते हैं, ऐसा ही कामयाबी भी अल्लाह ही की तरफ से आती है और नाकामी भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। और कामयाबी और नाकामी का अल्लाह किया अंदाजो निजाम नहीं है, इसको कामयाब कर दिया और इसको उजाड़ दिया, बल्कि अल्लाह किया कामयाबी का एक ही जाब्ता है और वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह किसको चमका देंगे, किसको कामयाब करेंगे? फरमाया जो मोहम्मदी बनकर जिए और मोहम्मदी बनकर के मरे, अल्लाह इसको झोपड़े में है तो झोपड़े में कामयाब कर देंगे, और महल में है तो महल में कामयाब कर देंगे। महल से नीचे आने की जरूरत नहीं और झोपड़े से निकलने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं रखकर अल्लाह इसको कामयाब कर देंगे। शर्त यह है कि मोहम्मदी बनकर जिए, मोहम्मदी बनकर के मरे। इसलिए अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अगर आपको पैदा नहीं करना होता तो अल्लाह कायनात के निजाम को नहीं चलाते। अल्लाह ने कायनात को आपकी बरकत से पैदा किया और आपकी हर अदा अल्लाह को महबूब है। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया
وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اے ہمارے نبی جی آپ ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دو. کیا شاہی فرمان؟ شاہی فرمان یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے, جیسا ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے, تو فرمایا اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو. اس کے پیچھے چلو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بڑے بڑے حق ہیں. آپ کا حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہو, بیوی سے, بچوں سے, ماں باپ سے, گھر کاروبار سے, سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اللہ کے نبی کی ہو. پھر آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہو کہ آپ کا اونچا مقام ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو عظمت آپ کا حق ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ کی عظمت اور بزرگی اور بڑائی. اطاعت آپ کا حق ہے کہ جو کرنے کے لیے کہے وہ کرنا, اس کو اطاعت کہتے ہیں, اور جیسا کیا ہے ایسا کرنا اس کو اتباع کہتے ہیں. جیسا کرنے کے لیے کہا وہ کرنا, جیسا کیا ایسا کرنا, یہ جو ہے وہ اتباع ہے. یہ دونوں آپ کے حق ہیں. آپ کی بات بھی مانی جائے, آپ کے کیے ہوئے عمل کو آپ کے طریقے پر کیا جائے, اور جب آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ سب سے پہلے اس کو دین میں مضبوطی عطا فرما دے گا. ثقت فی الدین, یہ کسی حال میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہے جس کو سنت کا اتباع مل گیا ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرما دیں گے. نیک لوگوں کی زندگی میں, نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے, اور برے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا خوف اور دبدبہ ڈال دیں گے. جو برے لوگ ہیں وہ اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے ہیں, جو سنت کی پیروی کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے, اور نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے, اللہ دین میں پختگی عطا فرما دیں گے, اور روزی میں برکت عطا فرما دیں گے جو آپ کی اتباع کے ساتھ میں زندگی گزارے گا. اس لیے فرمایا محمدی بن کر کے جینا اور محمدی بن کر کے مرنا یہ کامیابی کا اور اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے. اس لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا صحیح ہو جاوے, یقین دل میں آ جاوے, اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی بن کر کے جینا آ جاوے. 24 گھنٹے میں جو کام کریں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے, تو سب سے پہلے کلمہ ٹھیک ہو جائے. 100% ایمان والوں نے سب سے پہلے کلمہ بنانے کی محنت کیا. دوسرا, ہماری عبادت کی لائن صحیح ہو جائے. پورا دین میں بتا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرا, ہماری عبادت کی لائن صحیح ہو جائے. جب ایمان میں آ گئے تو عبادت کا حکم ہماری طرف آئے گا. اذان جو ہوتی ہے وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہوتی, اذان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا یا اللہ کے دربار میں آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد عبادت کی لائن کے احکامات دیے. عبادت میں جانی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی ہے. جانی عبادت نماز اور روزہ ہے, کہ اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی اچھی نماز بنا دے جو 24 گھنٹے کی زندگی کو سوار دے. اللہ والی فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دار اور کھڑکی ہوتی ہے. گھر کا دھواں کہاں سے باہر جائے گا بھائی؟ کھڑکی اور روشن دان سے. تازہ ہوا کہاں سے آئے گی؟ کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی. ایسا ہی رضائل جتنے زندگیوں سے نکلیں گے وہ نماز کی برکت سے نکلیں گے, اور جتنی خوبیاں زندگی میں آئے گی وہ نماز کی برکت سے آئے گی. اسی لیے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے. جیسے نماز بنتی چلی جائے گی ایسا زندگیاں صاف ستھری بنتی چلی جائے گی. پوری زندگی اطاعت پر آنے کا راستہ نماز کا راستہ ہے. روزے ایسے رکھے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے, حرام سے بچنے کی طاقت, کہ حلال سے بچے ہو ہمارے کہنے سے تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے ہم تمہارے پاس, اور تم حرام سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار ہو.
हदीस में फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन अबदल नास, फरमाया हराम से बचाओ सबसे बड़े इबादत गुजारो। आज हराम से बचने को भी इबादत नहीं समझते, सिर्फ तस्बीह हाथ में लेकर फिरने को जिक्र इसको समझते हैं इबादत। हालांकि एक आदमी रास्ता चल रहा है, हाथ में तस्बीह और हराम देख रहा है कि भाई जाकिर है कि गाफिल है, गाफिल है। रास्ते का जिक्र ये है, अपनी निगाह की हिफाजत करना ये रास्ते का जिक्र है। एक आदमी अपनी दुकान पर बैठा हुआ है हाथ में तस्बीह लेकर, और नौकर को ये कहा हुआ है कि कोई भी ग्राहक आएगा 1 किलो में 900 ग्राम देना, कि भाई जाकिर है कि गाफिल है, ये गाफिल है। जिक्र की हकीकत यह है कि जिस वक्त में अल्लाह का जो हुक्म है उसको पूरा करना जिक्र है। तो 24 घंटे आप तस्बीह नहीं पढ़ सकते, 24 घंटे नमाज नहीं पढ़ सकते, 24 घंटे कुरान नहीं पढ़ सकते, हराम से बचकर 24 घंटे आप जाकिर रह सकते हैं और इबादत गुजार रह सकते हैं। आप यही बच्चों में है और हुक्म के मुताबिक है तो आप जाकिर है। आप कारोबार में है, हुक्म के मुताबिक कारोबार कर रहे हैं तो आप जाकिर है। आप रास्ता चलते हुए हराम से बचे हुए हैं तो आप जाकिर है। तो फरमाए इत्तकिल महारिम तकुन अबदल नास, हराम से बच जाओ तुम सबसे बड़े इबादत गुजार। तो हराम से बचने की ताकत पैदा करने के लिए अल्लाह ने रोजे दिए, जिस तरह हलाल से बचे हो हराम से बचने की ताकत रोजों से पैदा करो अपने अंदर। और तकवा पैदा हो गया तो तुम्हारे सारे काम आसान कर देंगे हम तकवे की बरकत से, उलझने परेशानियों से तुमको निकाल देंगे, रोजी ऐसी जगह से देंगे जहां से वहमो गुमान भी नहीं होगा, तुम्हारे सारे दुनिया के उमूर को आसान कर देंगे, गलती हो जाएगी तो माफ कर देंगे, और नेकी करोगे तो नेकी का वजन बढ़ा देंगे तुम्हारा। इसलिए कि कयामत के दिन नेकियों को गिना नहीं जाएगा, कयामत के दिन नेकियों का वजन किया जाएगा, और नेकी का वजन जो होगा वो तकवे के बकदर होगा। जितना आदमी में तकवा होगा इतना उसकी नेकी में वजन होगा। इसीलिए अंदाजा लगाओ कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े आदमी है। हजरत अबू बकर से यूं फरमाते हैं कि अगर आप एक दिन की नेकी मुझे दे दो, जिस दिन आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर उम्मत को संभाला है, और एक रात की नेकी हिजरत की रात की नेकी दे दो आप मुझे, तो मैं अपने सारे और अपने खानदान की सारी नेकियां देने के लिए तैयार हूं। एक रात और एक दिन इतना वजनी है, तो वजन कैसे पैदा हुआ? कुरान पाक में हजरत सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने सबसे बड़ा मुत्तकी बताया कि सबसे बड़े मुत्तकी कौन है? हुजूर के बाद वो अबू बकर है। तो तकवे की बरकत से नेकी में इतना वजन पैदा होगा। तो ना रोजे ऐसे अच्छे रखना अपने और अपने घराने के, जकात ऐसी खुशदिली के साथ एक एक पाई की देना कि हमारे अंदर का बुखल खत्म हो जावे। बुखल जहन्नम का दरख्त है और सखावत जन्नत का दरख्त है। हज ऐसा करना कि हज के रास्ते से इताअत जिंदा हो जावे। हज मबरूर की अलामत क्या है? कि पूरी जिंदगी साफ सुथरी बन जाए, यह अलामत है कि इसका हज कबूल हो गया। और जैसा था ऐसा ही पहली बार में भी है तो समझो कि हज में गड़बड़ हो गई है। इसलिए इताअत सीखने के लिए हज है कि पूरी जिंदगी हज के बाद अल्लाह रसूल की इताअत पर आनी चाहिए, यह अलामत है कि हज मकबूल की है। तो अपनी इबादत की लाइन को अच्छे से अच्छी बनाना और इबादत उम्मत में जिंदा हो जाए उसकी कोशिश करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसका तसव्वुर नहीं हो सकता था कि मुसलमान और बेनमाजी हो, मुसलमान और रोजा न रखे, मुसलमान और जकात न दे, ये हो नहीं सकता, मुसलमान और हज फर्ज और हज न करे, ये हो नहीं सकता। 100% ईमान वालों में अल्लाह की इबादत पूरी हकीकत के साथ जिंदा थी। उसी के साथ तीसरी बात मेरे दोस्तों हमारे दीन में ये है कि हमारी मुआशरत पाकीजा बन जाए, हमारा रहन सहन, इसको मुआशरत कहते हैं। अल्लाह ने दुनिया को ताल्लुकात की जगह बनाए हैं, खुसूसियत के साथ इंसानों के लिए ताल्लुकात बनाए हैं। जानवरों के कोई ताल्लुक नहीं होते, जानवरों में कोई बाप नहीं होता, कोई माँ नहीं होती, बल्कि बच्चे माँ को खा जाते हैं। ऐसा भी है जानवर कि पैदा हो गए उसके बाद माँ को खा लिया बच्चों ने। तो माँ बाप जो है ना उसका ये ताल्लुक ये सिर्फ इंसानों में आपको जिन्नातों में मिलेगा। तो अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया को ताल्लुकात की जगह बनाई है, हमारे ताल्लुकात है, हमारे माँ बाप है,
हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हम किसी के शौहर है, हम किसी बहन के भाई है, कोई हमारी बहन है, हमारे चाचा चाची है, नाना नानी है, हमारे दादा दादी है, हमारे पड़ोसी है, हम सेठ है तो हमारे नौकर है, हम नौकर है तो हमारा कोई सेठ है, हम रैयत है तो हमारा कोई हाकिम है, हम हाकिम है तो हमारी कोई रैयत है, सारे ताल्लुकात है। और जितने ताल्लुकात है इतने हुकूक है, जितने ताल्लुकात है इतने हुकूक है, अल्लाह ने बतलाए। जब हुकूक अदा हो जाएंगे तो दुनिया जन्नत का नमूना बन जाएगी, और जब हुकूक जाये हो जाएंगे तो पूरी दुनिया जंग का अखाड़ा बन जाएगी। आज हुकूक अदा न होने की वजह से घर से लेकर पूरा आलम जंग का अखाड़ा है, किसी की जान महफूज नहीं है, किसी का माल महफूज नहीं है, किसी की आबरू महफूज नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी मुआशरत लेकर आए हैं जिस मुआशरत की बुनियाद इंसाफ पर है। इंसाफ किसको कहते हैं? इंसाफ इसको कहते हैं कि जो अपने लिए पसंद करे अपने सारे ईमान वाले भाइयों के लिए उसको पसंद करे, इसको इंसाफ कहते हैं। और मैं कोई भी तुमने कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये इंसाफ है। और इंसाफ से आगे एहसान है कि हक तो देंगे, हक से ज्यादा देंगे, इसको एहसान कहते हैं। हुज़ूर साहब ने फरमाया अज़ीम वर्चा, फरमाया वजन करके दो और ज्यादा दो। तो वजन करके देना ये इंसाफ है, और ज्यादा देना जो है ये एहसान है। क्या है? ज्यादा देना ये एहसान है। तो इसलिए आपकी मुआशरत की बुनियाद एहसान पर है, आपकी मुआशरत की बुनियाद इसार पर है कि मौका आएगा तो भूखे रहकर खिला देंगे, मामूली कपड़े पहने कर दूसरों को पहना देंगे, मामूली मकान बनाकर दूसरों का मकान बना देंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपनी जरूरत को कुर्बान करेंगे, अपने भाई की जरूरत को पूरी करेंगे। इसार पर है। हमारी मुआशरत की बुनियाद हया पर है कि मुसलमान बेहया नहीं हो सकता, उसको अल्लाह से भी शर्म आएगी, अल्लाह की मखलूक से भी शर्म आएगी। तो हमारी मुआशरत की बुनियाद हया पर है, हमारी मुआशरत की बुनियाद सादगी पर है। इस पर है सादगी पर, कि दुनिया में हम सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, ख्वाहिशात अल्लाह जन्नत में पूरी करा देंगे। तो हमारी मुआशरत की बुनियाद सादगी पर है, तो ये मुआशरत हमारी जिंदा हो जाए। इसलिए कि हुकूक जाये होंगे तो बाद मरतबा आदमी का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। मुआशरत की लाइन की बात गलतियां वो है कि जो आदमी को ईमान से महरूम कर देती है। आप अंदाजा लगाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक नौजवान सहाबी का इंतकाल होने लगा, उनको कलमे की तलकीन की जा रही है, उनकी जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। सहाबी आप जानते हो कितना ऊंचा मकाम है, दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा आदमी सहाबी नहीं बन सकता और उनके मकाम तक नहीं जा सकता। आपको इतला दी तो आपने तहकीक किया तो पता चला कि माँ के दिल में इनके ताल्लुक से नाराजगी है, और नाराजगी की वजह क्या थी? इनकी जबान में थोड़ी सी तेजी थी, बस जबान में तेजी थी, तो माँ का दिल दुखा हुआ था, जिसकी वजह से जबान से कलमा नहीं निकल रहा। ये मुआशरत के रंग का गुनाह है। इसलिए फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है। तो माँ बाप के हुकूक है, हमारे बच्चों के हुकूक है। बच्चों की जरूरत को जानते हैं, उनके हुकूक को नहीं जानते। हम बच्चों की जरूरत को जानते हैं, कपड़ा ले आवे, खाना ले आवे, स्कूल के भत्ता भत्ता ले आवे, थैली ले आवे उनकी, लेकिन उनके हक नहीं जानते। तो बच्चों का क्या हक है? फरमाया बच्चों का हक ये है कि जब पैदा हो जाए उसके पहले इसके एक कान में अजान कहो, दूसरे में इकामत कहो। ये पहला हक है बच्चे का। पैदा होते ही उसके दिल में ये बात डालो कि तुझे अल्लाह ने इस मकसद के लिए दुनिया में पैदा किया है। फिर उसके बाद उसका अच्छा नाम रखो, सातवें दिन इसका अकीका करो। ये बच्चे का हक है जिसकी इस्तेआत है। अच्छा नाम रखने के माना इस्लामी नाम रखो, नबियों का और सहाबा का, तो उस नाम का असर आदमी की जात पर पड़ता है। नाचने कूदने वालों का नाम ना रखो अपने औलाद को। और फरमाया जब पढ़ने के लायक हो जाए, बोलने लगे, तो सबसे पहले अल्लाह का नाम याद कराओ, अल्लाह सिखाओ, अल्लाह बोलना शुरू करे। जब पढ़ने के लायक हो जाए
तो आपको जो कुछ पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन पहले उसको कुरान और दीनी किताब पढ़ाओ। और फरमाया जब बच्चा दीनी किताब पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह शुरू करता है, अल्लाह उसके माँ बाप की मगफिरत फरमा देते हैं। इतना बड़ा इनाम मिलता है सिर्फ बच्चे को आप कुरान पढ़ाना शुरू करा दिया। इसलिए अपने बच्चों के हुकूक ये है, और बड़ा हो गया शायद बालिग हो गया, दीनदार घराना देखकर उसकी शादी करा दो। ये बच्चों के हक है, आपने पूरे अदा कर दिए। अब बच्चों के जिम्मे माँ बाप के हक है कि माँ बाप को उफ मत कहो, माँ बाप को डांटो मत, माँ बाप के आगे न चलो, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात न करो। ये सारे हुकूक अब बच्चों पर आएंगे, तो हुकूक की अदायगी हमारी जिंदगी में आ जाए। जो ताल्लुक दिया है उस ताल्लुक का हक अदा हो जाए। सेठ है तो नौकर का हक अदा हो जाए, नौकर है तो सेठ का हक अदा हो जाए, रैयत है तो हाकिम का हक अदा हो जाए, हाकिम है तो रैयत का हक अदा हो जाए। हुकूक की अदायगी के साथ दुनिया में जीना। हुजूर सादा फरमाते हैं ईमान वालों की मिसाल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे के काम आने में ऐसी है जैसा कि एक जिस्म होता है। जिस्मों में आपस में कितना जोड़ है, चलते हुए ठोकर लग जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, और अच्छा खाना खा ले रात को सो जाए तो पूरे जिस्म को लज्जत और राहत मिलती है। तो मैं ऐसा ईमान वाले हैं, एक आजमे दूसरे आजमे की बुराई को नहीं सोच सकता। ऐसा ही कभी मुसलमान अपने भाई की बुराई को नहीं सोच सकता कि मेरे भाई को तकलीफ पहुंचे उस पर हंसे, फरमा ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए फरमा ईमान वालों की मिसाल एक जिस्म के मानी दे, अपनी मुआशरत में पाकिजगी आ जाए, हुकूक की अदायगी आ जाए, एहसान आ जाए, इसार आ जाए, हया आ जाए, सादगी आ जाए। इसलिए कि दुनिया में दीन जो कायम होगा वो मुआशरत पर कायम होगा, हुकूमतों से दुनिया में दीन कायम नहीं होता, याद रखो। हुकूमतों से दुनिया में दीन कायम नहीं होता, दीन जो कायम होगा वो इस्लामी मुआशरत पर कायम होगा। जब हमारी मुआशरत इस्लामी बनेगी तो दुनिया में दीन अल्लाह ताला कायम फरमा देंगे। इसलिए कि दुनिया के लोगों को मुआशरत हमारी नजर आएगी, दूसरी चीजें कोई नजर नहीं आती। ईमान तो दिल में होता है, नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, रोजा पेट में होता है, जकात मुसलमानों को देते हैं, हज बैतुल्लाह में करते हैं जहां सबका दाखिला ममनू है, तो लोगों के सामने क्या आएगी? लोगों के सामने हमारी मुआशरत आएगी कि हमारी मुआशरत अलग है, इनकी मुआशरत अलग है, इनकी मुआशरत में मोहब्बत है, हमारी मुआशरत में मोहब्बत नहीं है। ये सारी चीजें लोगों के सामने आएगी, इसलिए अपनी मुआशरत की बुनियादों पर आए। उसी के साथ हमारे मामलात में सच्चाई और अमानतदारी आए, इसलिए कि दुनिया के हर इंसान के अंदर में अल्लाह ने 5 जरूरतें रखी है, हमारी भी और हमारे बच्चे बच्चियों की 5 जरूरतें। खाना है, कपड़ा है, मकान है, सवारी है और शादी है। ये 5 जरूरतें हमारी भी है और हमारे बच्चे बच्चियों की है। तो इन जरूरतों को हलाल तरीके से हासिल करना, सुन्नत तरीके पर पूरी करना। कैसे हासिल करना? हलाल से, हराम से नहीं। हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। आप देखो जितने हलाली जानवर है वो कितने खाए जाते हैं, बकराईद के वक्त में कितनी कुर्बानी होती है, लेकिन आपको 5,000 बकरे चाहिए तो मिल जाएंगे, और 5,000 मेंढे चाहिए तो मिल जाएंगे। हलाल है तो हलाल में बरकत है। कुत्ता 9 बच्चे पैदा करता है, लेकिन कभी आपने 500 कुत्ते एक साथ नहीं देखे होंगे। कभी देखे 500 कुत्ते एक साथ में? इसलिए कि जो हराम है उसमें बरकत नहीं है, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। तो हलाल में बरकत है, हराम में कभी बरकत नहीं हो सकती, याद रखो। और हराम के साथ जो कुछ आता हुआ दिख रहा है ये समझो वो जाने के लिए आ रहा है। एक तो आदमी का तंदुरुस्ती की वजह से मोटा होता है कि वजन उसका घटा हुआ है, और एक बीमारी की वजह से मोटा होता है। तो जो हराम से आ रहा है ना वो बीमारी का मोटापा है। बीमार आदमी को एक अगर लात मारो तो 4 गुलाटी खा जाएगा, हाँ। और तंदुरुस्त आदमी को आप 10 डंडे मारो तो वो देखेगा क्यों थके क्या और मारो। तो ये बीमारी का मोटापा है जो हराम से आ रहा है, जो रुकना नहीं है उसको अब खत्म होना है। अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया है कि सदके को बढ़ाएंगे, सूद को मिटाएंगे, सदके को बढ़ाएंगे और सूद को मिटाएंगे। तो हलाल तरीके से हासिल करना और सुन्नत तरीके पर अपनी जरूरतों को पूरा करना। इसलिए कि हलाल और हराम की तासीर ऐसी है जैसा कि खाने की होती है। अच्छा खाना आदमी खावे तो अंदर ताकत बनेगी,
खुशी महसूस होगी, खाने खा के के बाद में जी खुश हो जाएगा। सड़ा हुआ खाना पेट में चला गया तो क्या हो जाएगा? फूड पॉइजन हो जाएगा। कई हो गई, साल हो गया, थोड़ी फुसी निकल गई, क्या हुआ का फूड पॉइजन हो गया। ऐसे हलाल और हराम की तस्वीर है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, मेरी दावत क्या एक नेक आदमी ने और चंद लुकमे मुझे खिलाए, लेकिन वो लुकमे खाने के बाद कई दिनों तहज्जुद पढ़ने का मुझे मजा आया, और एक गलत आदमी के यहाँ मेरे खाने की दावत हुई, उसका खाने के आने के बाद कई दिनों मेरे अंदर बुराई का जज्बा पैदा हुआ। इतने सारे हलाल और हराम का, तो हमारी जिंदगियों में हलाल आना चाहिए, हराम नहीं आना चाहिए। भले कितना ही कम हो अल्लाह उसमें बरकत देंगे, और हराम कितना भी ज्यादा होगा उसमें कभी बरकत नहीं होगी, याद रखो। इसलिए अपनी जरूरतों को हलाल तरीके से हासिल करना। मकान चाहिए तो हलाल तरीके से लो, भले छोटा लो, गाड़ी हलाल तरीके से लो, बच्चों की शादियों में हलाल खर्च करो, अपने कपड़ों के खरीदे में, खाने की खरीदे में हलाल का इस लिहाज रखो। हराम जिंदगी में आएगा तो बेबरकती अपने साथ लेकर के आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हलाल तरीका रास्ता इख्तियार करना और सुन्नत वाला रास्ता इख्तियार करना, इसराफ वाला नहीं। उम्मत का अलमिया ये नहीं है कि उम्मत की जिंदगी में जानमाल नहीं है, उम्मत के पास जानमाल बहुत है, लेकिन इसराफ जिंदगी में दाखिल हो गया। अल्लाह वाले फरमाते, इसराफ की मिसाल आग की, आग आग में कितना भी लपटी डालो सबको जला देगी, उसका पेट भरेगा ही नहीं। कहा और लाओ, पूरे आपके मुल्क की लकड़ी को जलाने के बाद कहेंगे और लाओ, पाकिस्तान की डालो तो वो जला देगा, फिर हिंदुस्तान की डालो वो जला देगी, आपको छोड़ती नहीं है। फरमा ऐसा इसराफ है, जब इसराफ जिंदगी में दाखिल हो जाता है तो सारी जानी माली ताकत को खा लेता है, न दावत के लिए बचे न इबादत के लिए बचे। मुसलमान के पास इतना वक्त नहीं बचा कि पांच वक्त की नमाज पढ़ ले, तो क्या हुआ ये? इसराफ ने उसकी सारी जानी माली ताकत को खा लिया, अपने बूढ़े माँ बाप को संभालने की ताकत नहीं रही, अपनी बेवा बहन को संभालने की ताकत नहीं रही, तो क्या हुआ का इसराफ ने खा लिया सब कुछ। इसलिए इसराफ से अपनी जिंदगियों को पाक करना और अपनी जरूरत को सादगी पर लाना अपनी जिंदगी, इसलिए कि दुनिया को अल्लाह ने जरूरत के पूरी करने की जगह बनाया है और ख्वाहिशात के पूरी करने की जगह अल्लाह ने जन्नत बनाई है। क्योंकि ख्वाहिशात कहां पूरी होगी? जन्नत में। दुनिया में किसी की ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती, बड़े से बड़ा आदमी हो चाहे कि मैं बूढ़ा ना हूं, क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। बड़े से बड़ा आदमी हो कहे कि मैं मरू नहीं, क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। दुनिया में किसी की ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती है। अल्लाह ने ख्वाहिशात की पूरी करने के लिए जन्नत बनाई है, इसीलिए फरमाया वलकुम फीहा मा तशाई अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। तुम्हारे लिए जन्नत में वो है जो तुम्हारा जी चाहे, और जो मांगोगे मांगते ही मिल जाएगा, और जो चाहोगे चाहते ही मिल जाएगा। आखिरी दर्जे की बात अल्लाह ने कह दिया कि जो चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी, और जो मांगे वो फौरन पूरी हो जाएगी बगैर किसी ताकीद के, और कोई भी नियामत कम नहीं होगी, बढ़ती ही रहेगी। हुस्न बढ़ता रहेगा, जवानी बढ़ती रहेगी, ताकत बढ़ती रहेगी। हर जन्नती को 100 आदमियों की ताकत देकर के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और वो ताकत कभी भी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। अल्लाह राजी हो जाएंगे, अल्लाह का दीदार होगा, और जन्नत की नियामतें और मेहमान आईन रात न किसी की आंखों ने देखा, न किसी के कानों ने सुना, और न किसी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। ऐसी नियामतें अल्लाह ने जन्नत में ईमान वालों के लिए बना करके रखी। इसलिए मेरे दोस्तों, इस दुनिया को जरूरत के पूरा करने के लिए हलाल रास्ता इख्तियार करना और इसराफ से बचकर सादगी पर रहना, उसी के साथ में अपनी अखलाक की जिंदगी अच्छे से अच्छी बनाना। कौन सी जिंदगी? अखलाकी जिंदगी, लोगों के साथ सलूक और बर्ताव, हर एक आदमी के साथ, अपना हो पराया हो, हर एक के साथ अखलाक का हुक्म है। इकराम तो मुसलमान का होगा, लेकिन अखलाक सबके साथ बरते जाएंगे। अखलाक किसके साथ बरते जाएंगे? सबके साथ। हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिम ही भूखा है तो हम उसको खिलाएंगे, वो नंगा है कपड़े की जरूरत है तो उसको कपड़ा पहनाएंगे, उसके बच्चे बड़े हो गए अपने बच्चों पे कम खर्च करके उसके बच्चों की शादियां करा देंगे, जो उसकी जरूरत है उसमें हाथ बटाएंगे। दुनिया में हर इंसान के साथ भलाई करने का हुक्म है।
बल्कि मखलूक अल्लाह की मखलूक जानवर है उसके साथ भलाई का हुक्म है कि कोई जानवर आप जबा कर रहे खाने के लिए तो उसको तेज छुरी से जबा करो ताकि कम तकलीफ में उसका काम पूरा हो जाए। आपने घोड़े पर सवारी की है और मस्जिद तक पहुंच गए तो फौरन उतर जाओ। अब इसको मेंबर बनाने की इजाजत नहीं है कि उस पर आप बैठे हुए, फौरन उतर जाओ, इसको राहत दो। ये शरीयत के अहकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए तो एक ऊंट बड़बड़ाता आपके पास आया। आपने उसके मालिक को बुलाया और यूं कहा कि ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है कि तू इससे काम ज्यादा लेता है, इसको खाना कम देता है। हमारा दीन तो ऐसा प्यारा है कि जो जानवरों के हुकूक बताता है, रास्ते के हुकूक बताए थे, रास्ते में आप पेशाब नहीं कर सकते, कोई सायेदार दरख्त है उसके नीचे आप पेशाब नहीं कर सकते। तो हमारे तो रास्ते के हुकूक है, हमारे तो जानवरों के हुकूक है, इंसानों के हुकूक है। इसलिए कि दीन हुकूक की तालीम ही के लिए आता है और दुनिया हुकूक के पूरे करने की जगह है और आखिरत बदला पाने की जगह है। इसलिए अपनी अखलाक की जिंदगी को अच्छे से अच्छी बनाना। तो अखलाक किस बात को कहते हैं? अखलाक जो है वो एक दूसरे को अदरी बदरी देने का नाम अखलाक नहीं है कि इसने आपको खिलाया आपने उसको खिलाया, इसका नाम अखलाक नहीं है। और मैं अखलाक किसका नाम है? और मैं जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके साथ भलाई करो, जो तुम्हारे पर जुल्म ज्यादती करे इसको माफ करो, दरगुजर करो, जो तुम्हारे साथ रिश्तेदारी को तोड़े उसके साथ रिश्तेदारी को जोड़ो। इसलिए जो रिश्तेदारी तोड़कर जिंदगी गुजारेगा लैलतुल कदर में भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, बैतुल्ला जाकर दुआ मांगेगा तो बैतुल्ला में भी इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। काते रहम की जो रिश्तेदारियों को तोड़ करके जीते हैं। और कयामत के दिन रिश्तेदारी अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह जिसने मुझे दुनिया में जोड़ा अपनी रहमत से जोड़ दे और जिसने मुझे तोड़ा अपनी रहमत से उसको तोड़ दे, और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी अल्लाह के दरबार में। इसलिए जो रिश्तेदारी को तोड़े उसके साथ रिश्तेदारी को जोड़ो। और फरमाया जो तुमको कभी चाय पानी का न पूछे उसको खिलाओ पिलाओ, जो कभी चाय पानी को न पूछे उसको खिलाओ पिलाओ। ये अवलीन और आखिरीन के अखलाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना तौर पर मक्का में सन 8 हिजरी में दाखिल हुए हैं तो मक्का में वो लोग मौजूद है जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं, आपके पर ऊंट की होई डाली है, आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब को नेजा मारा है, आपके खब्बाब को, खुबैब को, अम्मार को, यासिर को, सुमैया को मारा और शहीद किया है, आपने किसी से बदला नहीं लिया। आपने बैतुल्लाह की चौखट पकड़कर फरमाया ये बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूंगा। तो सारे के सारे शर्म के मारे उनकी आंखें झुकी हुई है और यूं कहा अखुन करीम अपने अखीन करीम, फरमाया आप तो भले हैं, भलो की औलाद है, हम आपसे भलाई की उम्मीद रखते हैं। आपने फरमाया मैं तुम्हारे साथ वो मामला करूंगा जो मेरे भाई यूसुफ नबी ने अपने भाइयों के साथ किया था, जिस भाइयों ने कुएं में डाला जब ये भूखे आए हैं तो फरमाया ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, तुम्हारे पर कोई लान तान नहीं, अल्लाह तुमको माफ कर दे, हमने तुमको माफ कर दिया। और यूं फरमाया अंतुम तुलका, जाओ तुम सारे के सारे आजाद हो। मक्के वाले कहते हैं हमको ऐसा लग रहा था कि हम अपने कब्रों से उठे और हमको नई जिंदगी मिली। आपने उस्मान नामी आदमी को बुलाया और बुलाकर कहा बैतुल्लाह की चाबी लाओ, तो उन्होंने चाबी आपको पेश किया। आपने फरमाया उस्मान तुमको याद है कि जब मैं मक्का छोड़कर जा रहा था मैंने तुमसे कहा था कि बैतुल्लाह को खोलो, मैं दो रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं, तुमने नहीं खोला था, याद है तुमको? उनका याद है लेकिन निगाहें झुकी हुई है शर्म के मारे। आपने फरमाया आज के दिन ये चाबी मैं जिसको दूंगा कयामत तक ये चाबी उसके हाथ में रहेगी, और उसके बाद आपने चाबी उस्मान के हाथ में दे दिया कि तुम्हारे पास देगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी अखलाकी जिंदगी लेकर आए, वो अखलाक नाफेद हो गए दुनिया में। मेरे दोस्तों ये चीजें जिंदा होगी तो दुनिया में इस्लाम जिंदा होगा। दुनिया के सामने हमारी मुआशरत आनी चाहिए, हम किसी की मुआशरत पर ललचाई निगाह से नहीं देखेंगे। हमारी मुआशरत इतनी मुकम्मल है कि हमें किसी तरह तान झाक करने की जरूरत नहीं है। हमारे मामलात ऐसे साफ सुथरे हैं कि हमको किसी से उसके अंदर में कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। हमारे अखलाक इतने ऊंचे हैं कि हमको किसी जगह किसी और चीज से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। आप एक मुकम्मल जिंदगी लेकर आए हैं जिसकी वजह से इंसानियत ये सारे बहरान से निकल सकती है। इसलिए अपनी अखलाक की जिंदगी को एक बुनियादों पर बनाना। और मां कयामत के दिन आदमी के अमलनामे में सबसे वजनी चीज उसके अच्छे अखलाक होंगे। और फरमाया अकमलुकुम ईमानन अहसनुकुम अखलाका,
और मैं तुम में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला वो है जो सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला है। जिसके सबसे अखलाक अच्छे वो सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला है। इसलिए हर एक को हमसे नफा पहुंचे, किसी को हमसे तकलीफ न पहुंचे। उसी के साथ मेरे दोस्तों अपनी मंजिल अल्लाह को बनाना और आखिरत को बनाना। हम दुनिया में क्यों जिएंगे कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की रजा के साथ मौत आ जाए बस, और हमारा कोई मकसद नहीं। हमारी आखिरत बन जाए, हजारों इंसानों की हमारी जिंदगी से आखिरत बन जाए, हम ये चाहते और कुछ नहीं चाहते। हमको दुनिया में इख्तदार भी नहीं चाहिए, माल भी नहीं चाहिए। माल वालों को माल मुबारक, इख्तदार वालों को इख्तदार मुबारक। हमको क्या चाहिए? हमको अल्लाह चाहिए और आखिरत चाहिए बस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को आखिरत की बुनियाद पर उठाया है। पूरी उम्मत को किस पर उठाया? आखिरत की बुनियाद पर। हालांकि आपके इल्म में यह बात थी कि आपकी मेहनत का अंजाम कैसर व किसरा का फतेह होना है, यह आपके इल्म में बात थी। इसीलिए आप अंदाजा लगाओ कि जब आप हिजरत फरमाकर बेकसी और बेबसी के आलम में मदीना जा रहे थे और सुराका इब्ने मालिक ने आपका पीछा किया है, तो आपने पीछे मुड़कर उसको यूं कहा कि सुराका तेरा उस वक्त में क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। किसरा की खुशखबरी कब दे रहे? जब इंतहाई बेबसी और बेकसी में आप जो है मक्का से मदीना जा रहे, ऐसे हाल में आप किसरा के कंगन की खुशखबरी दे रहे। आपके इल्म में था कि इस मेहनत का अंजाम ये होगा। अजीब ने हाथी माई, आपने पूछा इस्लाम क्यों नहीं कबूल करते? उन्होंने कहा मैं एक मजहब को मानने वाला हूं। और मैं तेरे मजहब को मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। तेरे मजहब में तू तेरे मानने वालों के पैसे खाता है और उनका माल खाता है, तेरे लिए हलाल है तेरे मजहब में? उसकी निकाह झुक गई हदीम ने हातिम की। तो तेरे लिए हलाल नहीं है, तेरे मजहब में हलाल नहीं है और तू हराम खा रहा है। फिर आपने फरमाया ये बताऊं क्यों नहीं कबूल करता इस्लाम को? तुम इसलिए कबूल नहीं करते कि हमारे चारों तरफ तुम कमजोर लोगों को देख रहे हो। हमारे चारों तरफ कौन है? कमजोर लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए लुकमा नहीं है, जिनके पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके पास जाने आने के लिए सवारियां नहीं है। दस दस सवार एक एक सवारी पर चलते हैं, चढ़ते हैं बारी बारी और पैदल चढ़ते हैं, पैर फट जाए, जूते टूट जाए तो ये चिथड़े बांध करके चलते हैं। तुम देखते हो हमारे चारों तरफ कमजोर लोग हैं। तुम सोचते हो हम इतने बड़े आदमी होकर इनके साथ कैसे रहे? इसके लिए तुम इस्लाम को कबूल नहीं करते। आपने फरमाया आदि किसरा इब्ने हुरमुज को जानते हो? फरमाया हाँ, नाम तो सुना है। फरमाया किसरा इब्ने हुरमुज के खजाने फतेह होंगे और उसके फतेह करने वालों में तुम भी होंगे। उसके फतेह करने वालों में कौन होंगे? फरमाया तुम भी होंगे। और फरमाया एक लड़की सनाए यमन से आएगी मक्का मदीना, न उसको अपने जेवरात की चोरी होने का खौफ होगा और न अपने असमत के लुटने का खौफ होगा। हमारे काम से पूरी दुनिया में इतना अमन अमान कायम होगा। और ये फरमाया मदीना की सरजमीन जहां तुम्हें भूखे और नंगे नजर आ रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जकात देने वाले होंगे, कोई जकात का लेने वाला नहीं होगा। आपने फरमाया ये हालात पैदा होंगे हमारे काम से, लेकिन आपने कभी उम्मत को मुल्क माल की बुनियाद पर नहीं उठाया कि काम करो तुमको मुल्क मिलेगा, काम करो तुमको माल मिलेगा, बल्कि आपने सिर्फ आखिरत की बुनियाद पर उठाया। इसीलिए अंसारे मदीना जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेहद के लिए जमरे उकबा के पास पहुंचे हैं, तो आपसे यो फरमाया आला मानू भाई आके रसूल अल्लाह के रसूल, आप हमसे किस चीज पर बेहद कहना चाहते हैं? यानी हम आपका दामन थामेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये माना है बेहद के। तो आपने चंद बातें फरमाई। आपने फरमाया तुबायउनी अला समी व ताअ फिल मनशति वल मकरा। फरमाया इस बात पर बयान करो कि मेरी बात को सुनोगे और मानोगे, तुम्हारा जी चाहे तो और न चाहे तो। इसलिए कि जी तो बावला है, कभी चाहता है कभी नहीं चाहता है, तो जी चाहे पर नहीं चलोगे, मेरी बात को सुनोगे और मानोगे इस पर बयान करो। वन्नफ का फिल उसरे वल युसर, और दीन के लिए खर्च करोगे, तंगी की हालत होगी तो और फराकी की हालत होगी तो, दोनों हालतों में दीन के लिए खर्च करोगे। वालल अम्र बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर, इस बात पर भी याद करो कि भली बात को दुनिया में फैलाने का काम करोगे और बुराइयों के मिटाने का काम करोगे। वाला अन तकूलू फिल्लाह हक ला तखाफू फिल्लाह लौमत लाइम, और हक बात कहोगे, किसी मलामत करने वाले से डरोगे नहीं कि कोई क्या कहेगा और कौन क्या करेगा।
तो हक कहने वाले लोग हैं, हक तरीके से कहेंगे और हक बात कहेंगे। और ये फरमाया आला अंतम नाउनी कमा तम नाउन अनफुसकुम व औलादकुम अज़वाजकुम, और फरमाया जब मैं तुम्हारी दावत पर मदीना आ जाऊं और पूरा अरब तुम्हारा दुश्मन हो जाए, उस वक्त मेरी हिफाजत में वो तमाम वसाइल अख्तियार करोगे जिन वसाइल से तुम अपने अपने औरतों और बच्चों की हिफाजत करते हो। जब ये शराइत उन्होंने हुजूर सासरम में रखे तो एक सहाबी ने खड़े होकर के ये पूछा, अल्लाह के रसूल अगर ये काम हम पूरे करते जो आपने बताया तो इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? आपने फरमाया वलकुमुल जन्ना, अल्लाह इसके बदले में तुमको जन्नत देगी। आपने इनको मुल्क माल की बुनियाद पर नहीं उठाया, आखिरत की बुनियाद पर उठाया कि अल्लाह तुम्हें जन्नत देंगे। लेकिन यकीन जानो कि जिसकी जन्नत बनेगी उसकी दुनिया बनेगी, इसलिए कि दुनिया आखिरत का साया है। दुनिया किसका साया है? आखिरत का साया। जिसकी आखिरत बनना शुरू होगी उसके बनाव के आसार दुनिया में जाहिर होंगे, और जिसकी आखिरत उजड़ना शुरू होगी उसके उजाड़ के आसार दुनिया में जाहिर होंगे। उसकी अलामत क्या है? फरमाया एक आदमी की आखिरत बनना शुरू हुई तो उसके आसार दुनिया में ये होंगे कि अल्लाह ताला उसकी दुनियावी जिंदगी को हयात तैयबा बना देंगे, पाकीजा जिंदगी। कुरान में अल्लाह ने हयात तैयबा का नाम दिया है कि हम पाकीजा जिंदगी देंगे दुनिया की। तो पाकीजा जिंदगी किसको कहते हैं? पाकीजा जिंदगी में सबसे पहले दिलों में चैन और सुकून और इत्मीनान होगा। झोपड़े में है लेकिन इत्मीनान ही, माल की कमी में है इत्मीनान ही, तो सबसे पहले दिलों में इत्मीनान और चैन और सुकून अता फरमाएंगे, आपस में मोहब्बतें अता फरमाएंगे, दुआओं में कबूलियत अता फरमाएंगे। दुनिया हालात का घर है, कभी एक हालात कैसे होते हैं कभी कैसे होते हैं, और उन हालात में जब अल्लाह से दुआ के रास्ते से कहेंगे तो अल्लाह दुआ की बरकत से उन हालात को हल कर देंगे। अल्लाह मुकद्दर की रोजी हलाल और बरकत वाली बना करके देंगे, लिखने में थोड़ी होगी लेकिन कोई जरूरत अटकेगी नहीं। हुक्म पूरा करने की बरकत से अल्लाह ताला जो है वो जरूरतों को पूरा कर देंगे, बरकत वाली देंगे, आसानी वाली देंगे। और फरमाया जिंदगी ऐसी साफ सुथरी बना देंगे कि दुनिया का हर इंसान देखकर लालच करे कि जिंदगी मुझे मिलनी चाहिए। तो ये हयात तैयबा आखिरत बनने के रास्ते से दुनिया में बनेगी, और अल्लाह न करे कभी किसी की आखिरत उजड़ी तो उसके उजाड़ के आसार दुनिया में जाहिर होंगे। जिसको कुरान पाक के अल्लाह ने माई शतन दनका कहा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ओमन आलिक्री फैन लहू माई शतन दनका, फरमाया जो हमारे जिक्र से यानी हमारी इताअत से एराज करे हमारी बात मानने से, अल्लाह फरमाते हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी को परेशानी में ऐसी डाल देंगे कि जीने के बजाय मरना पसंद करेगा। आप ये बताओ दुनिया में मरने वालों की जो तादाद है वो गरीबों की ज्यादा है कि मालदारों की ज्यादा है? क्यों भाई, खुदकशी कौन करते हैं? भूखे लोग करते हैं। भूखे लोग नहीं करते, वो लोग करते हैं जिनके पास इतना रुपया है कि उनको पता नहीं कितना रुपया हमारे पास में। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, लेकिन जिंदगी अल्लाह ने ऐसी तंग कर दिया कि जीने के बजाय मरने को पसंद करते हैं और खुदकशी करके। हालांकि इनको मालूम नहीं है कि इस मौत के बाद जो भयानक हालात आने वाले हैं, इस मौत से बहुत ज्यादा सख्त आने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी दुनिया और आखिरत के बनने की बुनियाद ये मुबारक जिंदगी है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। आप देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बयासत हुई है तो पूरी दुनिया जहालत में डूबी हुई थी और पूरी दुनिया गुमराही में डूबी हुई थी। पूरी दुनिया में सिवाय गुमराही के कुछ नहीं था। बैतुल्लाह का तवाफ नंगा होता था, मर्द दिन में करते थे औरतें रात में करती थी। आप अंदाजा लगाओ इतनी जहालत और इतनी गुमराही। बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे, तो आलम का क्या हाल होगा? इसी हालत में आपकी बयासत हुई। आपने 23 साल दौरे नबूवत में क्या काम किया जिसकी वजह से उम्मत बन गई और माहौल बन गया? ये दो काम हुआ आपके 23 साल मेहनत के नतीजे में। एक मजमा तैयार हो गया जिसको दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, ये इस्लाम है और ये मुसलमान है। और एक माहौल बन गया पूरे मदीना मुनव्वरा का और पूरे हिजाज का कि 100% ईमान वालों के दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा है। तलाश करने से आपको कोई बेनमाजी नहीं मिलेगा। हर आदमी अपने दीन से बाखबर था, हर दीन पर अमल करने वाला था।
हर एक आदमी दूसरों के हुकूक अदा करने वाला था, एहसान करने वाला, इशार करने वाला था। कोई दुनिया का तालिब नहीं था, सारे आखिरत के अल्लाह की रजा के तालिब थे। हमको दुनिया नहीं चाहिए, हमको अल्लाह चाहिए और आखिरत चाहिए। दुनिया तो अल्लाह ताला रोंगे के तौर पर देंगे। रोंगा जानते हो किसको कहते हैं? आप सौदा लो तो सौदे वाला जिसे लो वो आखिर में थोड़ा सा ऊपर ज्यादा डाल देता है, उसको रोंगा कहते हैं। तो दुनिया तो अल्लाह रोंगे के तौर पर दे देंगे, आखिरत असल है। आखिरत बनेगी तो अल्लाह दुनिया देंगे, और दुनिया तो इतनी देंगे कि आप खाते खिलाते थक जाओ और खत्म होकर के न दे। इसलिए कि दुनिया का वजूद आप लोगों की बरकत से है। जब तक एक ईमान वाला दुनिया में है, कयामत कायम नहीं होगी, और जब तक एक ईमान वाला भी नहीं होगा, पूरी दुनिया को अल्लाह तोड़ के रखेंगे। इसलिए कि पूरी दुनिया का वजूद ईमान वालों की वजह से है। बस हमारे अंदर इस्तेदाद पैदा होनी चाहिए। बदअज़मी हो गई हम लोगों को, क्या हो गई बदअज़मी? बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के पेट में रोटी बोटी हजम करने की इस्तेदाद नहीं होती। तो अल्लाह ने सब दिया, सिर्फ दांत नहीं दिए। क्यों भाई, बच्चा पैदा होता है तो आंख भी दे दिया, कान भी दे दिया, हाथ पैर भी दे दिया, सब दे दिया, क्या नहीं दिया? दांत नहीं दिए। इसलिए कि इसके पेट में रोटी बोटी हजम करने की इस्तेदाद नहीं है। और अगर ये रोटी को अगर दांत दे देवे तो ये मर जाएगा बच्चा, तो दांत नहीं देते। और जब इस्तेदाद पैदा होती है आहिस्ता आहिस्ता, तो एक निकाला, दो निकाला, तीन निकाला, यहां तक 32 दांत पूरे हो जाते हैं। जिंदगी भर खाओ, फिर बूढ़ा हो जाता है तो फिर दांत निकाल देते अल्लाह तक। लेकिन कुछ लोग नकली दांत लगा लेते हैं होशियारी में, नकली दांत लगाते और बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, उम्मत में जब इस्तेदाद पैदा हुई है मुल्क माल को हजम करने की, क्या इस्तेदाद पैदा हुई कि इनको अल्लाह मुल्क देंगे तो ये जुल्म नहीं करेंगे, ये इंसानियत को सताएंगे नहीं, बल्कि नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, दुनिया में भलाई को फैलाएंगे, बुराई को मिटाएंगे। जब इस्तेदाद पैदा हो गई तो अल्लाह ने पूरी दुनिया के सियाह और सफेद का इनको मालिक बनाया। क्यों बनाया? नहीं बनाया। और जब अंदर में कमजोरी पैदा होती गई बुढ़ापे की तरह, तो सारे दांत अल्लाह ने निकाल लिए। समझ लो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? और जो जो अभी दांत नजर भी आ रहे हैं तो वो सब डुप्लीकेट है, नकली दांत। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमारे जमाने में फिर दोबारा अल्लाह ताला दीन को जिंदा कर दे हुए और 100% ईमान वालों के अंदर में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का जज्बा पैदा हो जावे और अल्लाह के हुक्म के पूरा वो करने का जज्बा पैदा हो जावे, उसके लिए अल्लाह ने एक आसान सा काम दिया है। दावत और तबलीग का काम आसान है अगर आदमी उसको करना तय करे तो आसानी, और न करे तो उसके लिए बहुत मुश्किल। इरादा ही नहीं क्या करने का तो आसान नहीं होगा। करने का इरादा कर ले तो अल्लाह उसके लिए आसान फरमा देंगे। इसके लिए मेरे दोस्तों, आज के दिन इस मजमे से हमारी दरखास्त ये है कि एक चीज तय करो कि हमारे जमाने में एक अजीम काम हो रहा है, उस काम में हम सबको शरीक होकर हाथ बटाना है। क्यों भाई, करना है सबको? कौन कौन करने का इरादा करते हैं उसका? माशाल्लाह, अल्लाह खुश करना। अब मेरे दोस्तों, इसको करने के लिए, जिंदगी भर करते रहने के लिए एक आसान नुस्खा है। थोड़ी कड़वी गोली है, लेकिन कड़वी गोली खा लो तो तंदुरुस्ती मिल जाएगी, उसके बाद सब खा सकते हो। तंदुरुस्ती मिल जावे तो सब खा सकते हो, रोटी भी खावे और बोटी भी खावे। और जब तक तंदुरुस्ती नहीं है तो डॉक्टर ने कह दिया सब्जी खा सकता है, गोश्त नहीं खा सकता, और चावल खा सकता है, रोटी नहीं खा सकता, वो सारी चीजें मना होती है। तंदुरुस्ती पैदा करने के लिए एक मरतबा अच्छा 4 महीना लगाना है। क्या करना है? एक मरतबा अच्छा 4 महीना लगाना। अच्छा 4 महीना लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जरा भी घबराओ मत, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ सच्चा इरादा करना पड़ेगा। क्यों भाई, इरादा करने में कोई मुश्किल है? क्यों भाई, इरादा करने में कोई चीज मुश्किल है? इरादा करना, कहला इतना बड़ा काम हमारे जमाने में हो रहा है, उस काम को मेरी जिंदगी में भी उसका हिस्सा होना चाहिए, इसका सच्चा पक्का इरादा करना। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को अबू बकर उमर ने पाया रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और अबू लहब और अबू जहल ने भी पाया। क्यों भाई, आपका जमाना पाया कि नहीं? अबू जहल ने, अबू लहब ने, ये मर्दूद हो गए, ये मकबूल हो गए। इतना बड़ा फर्क हो गया शुक्र पर और ना शुक्री पर।
तो हमारे जमाने में एक काम हो रहा है और आप अच्छी तरह समझते हैं कि काम करने वाले वो लोग हैं जो आपके और मेरे जैसे ही है, बीवी बच्चों वाले हैं। मेरे 10 बच्चे हैं, 7 बेटी है, 3 बेटे हैं और 33-34 पोते पोतियां 89 है। ऐसे सारे तबलीग वाले ऐसे ही है, सारे बीवी बच्चों वाले हैं, सारे माँ बाप वाले हैं, सारे घर कारोबार वाले हैं, लेकिन उन्होंने तय किया कि करना है तो अल्लाह ने आसान कर दिया। आप हजरात भी तय करोगे कि करना है तो अल्लाह आसान कर दे। सबसे पहली बुनियाद क्या है? सच्चा इरादा करना। दूसरा, अल्लाह से फिर दुआ मांगना कि अल्लाह मैंने इरादा किया हूं, आप तो मेरे हालात और मशगूली को अच्छी तरह जानते हैं, अल्लाह आप आसान करेंगे तो आसान होगा और आप आसान नहीं करेंगे तो आसान नहीं होगा। अल्लाह से दुआ मांगना। अल्लाह ने दुआ के मांगने का हुक्म दिया है और कबूल करने का वादा किया है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? उदउनी अस्तजीब लकुम, फरमाया मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। मांगने के लिए भी कह रहे हैं और कबूलियत का वादा भी कर रहे हैं, तो फिर क्या चीज बाकी रहेगी भाई? तो अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह आप मेरे लिए आसानी फरमा दे। तीसरा काम, अपने बस की कोशिश करना। क्या करना? अपने बस की कोशिश। भाई अल्लाह ने हमारी तिजारत है तो तिजारत को मेरे 4 महीने जाऊंगा तो कौन संभालेगा? अपने बेटे को तैयार करना, अपने पार्टनर को तैयार करना। गर्ज ये कि कोई भी तदबीर सोचना, जिस तरह दुनिया के कामों के लिए हम तदबीरें करते हैं, ऐसा ही दावत के काम के लिए भी तदबीर करना, अल्लाह पर एतमाद करके। जब ये 2-3 काम आप करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसान कर देंगे। क्योंकि ये 3 काम करना आसान है कि मुश्किल है? इरादा करना आसान है कि मुश्किल है? दुआ मांगना आसान है कि मुश्किल है? अपने बस की कोशिश करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि करो या मरो, मैं ये नहीं कहता आपसे, और न इस्लाम इसकी इजाजत है कि करो या मरो। हमारा दीन तो ऐसा रहमत वाला है कि इतना हुक्म दिया है जो हम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते अल्लाह उसका हुक्म देते ही नहीं है। तो अपने बस की कोशिश करना, जितना हाथ पैर मार सकते हैं। आप सर्विस करते हैं तो आप छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो आप अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़कर एप्लीकेशन करो कि भाई मैं छुट्टी चाहता हूँ 4 महीने की। अल्लाह दिला देवे तो अल्लाह के रास्ते में चले जाओ, नहीं दिले तो फिर दुआ मांगो अल्लाह से, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मंजूरी हो जावे। इसलिए कि मंजूरी ऊपर से होगी फिर नीचे नाफिज होगी। पहले मंजूरी कहां से होगी? ऊपर से मंजूर हो गया तो नीचे वाले को हर हाल में छुट्टी देनी है। याद रखो, नीचे कोई काम होता नहीं जब तक उसका फैसला ऊपर होता नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक मरतबा रात के अंधेरे में जा रहे थे, पीछे कोई जवान लोग की आहट महसूस किया। फरमाया क्या बात है? फरमाया दुश्मनी का आपके साथ खतरा है तो मुझे, हम आपकी हिफाजत के लिए जा रहे हैं। फरमाया मेरी हिफाजत जमीन वालों से करोगे कि ऊपर वाले से? बोले जमीन वालों से करेंगे, ऊपर वाले से क्या कर सकते हैं। फरमाया चले जाओ, दुनिया में कुछ होता नहीं जब तक ऊपर फैसला नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो पहले अल्लाह से फैसला कराओ 2 रकात नमाज पढ़कर कि अल्लाह मैं इरादा किया हूँ मेरे लिए आसानी फरमा दे। बाद में अच्छे से अच्छे आदमी को छुट्टी देनी पड़ेगी आपको, अल्लाह की तरफ से फैसला हो गया था। तो इसके लिए अपने बस की कोशिश करना, दुआ मांगना, पक्का इरादा करना। तो भाई ये 3 काम कर सकते हैं कि नहीं? इसके लिए आपसे हमारी दरख्वास्त ये है कि आप उसके लिए हिम्मत करके अपने आप को पेश करो कि इंशाल्लाह मैं 4 महीना लगाऊंगा, दुआ मांगूंगा अल्लाह से, अपने बस की कोशिश करूंगा और 4 महीने के लिए मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ और अच्छा 4 महीना लगाऊंगा। कैसा? अच्छा, सिर्फ फिर कर वापस नहीं आऊंगा, अच्छा 4 महीना लगाऊंगा। अच्छा 4 महीना लगाना किसको कहते हैं? अच्छा 4 महीना लगाना इसको कहते हैं कि वक्त भी पूरा हो, अमाल भी पूरे हो। 4 महीने में करने के सारे काम करते हुए 4 महीना लगाना, बचने की सारी चीजों से बचते हुए 4 महीना लगाना, ये पहली बुनियाद है। हर जगह जमात निकालने की मेहनत के साथ 4 महीना लगाना, जहां मस्जिदवार जमात नहीं है बनाने की मेहनत के साथ वक्त लगाना, बनी हुई जमात है तो उस पर काम पर लगाने की मेहनत के साथ वक्त लगाना। वक्त लगाए लोग है लेकिन हरकत में नहीं है, तुमको हरकत में लाने की मेहनत के साथ वक्त लगाना। और दिन भर अपने आप को थकाने के बाद रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज में, दुआ में और आहोजारी में लगना, ये अच्छा वक्त लगाना है। यहां तक कि अल्लाह दिलों का रुख सही कर दे अपनी तरफ, अपने हुक्मों की तरफ और आखिरत की तरफ, और फिक्र हमारा दावत का बन जाए। क्या बन जाए? कि दुनिया में इसलिए जिएंगे कि अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए। ये काम करते हुए जिएंगे, काम करते हुए मरेंगे।
तो ये जज्बा हमारा पैदा हो जाए उसके लिए अच्छा 4 महीना लगाना। कोई इसी चीज को छोड़ना नहीं है, तबलीग का काम छोड़ने का नहीं है, सिर्फ फिक्र बदलने का काम है कि सारे काम करे लेकिन दावत की फिक्र के साथ। जैसे एक आदमी की टोपी बनाने का कारखाना है, क्योंकि भी कहीं भी जाएगा तो क्या देखेगा, लोगों की टोपी देखेगा। शादी में जावे तो टोपी देखे, मैयत में जावे तो टोपी देखे। जूता बनाने का कारखाना है, जहां जाएगा वहां जूते देखेगा। लोग क्या पहनते हैं, मैं अपने कारखाने में बनाऊं, खाता भी है, पीता भी है, बच्चों को पालता भी है, पढ़ाता भी है, लेकिन फिक्र क्या हो गया टोपी और जूते का। तो दावत का फिक्र बनाने के लिए अच्छा 4 महीना लगाना, उसके बाद आकर घर कारोबार खूब अच्छी तरह करो। अल्लाह हिम्मत दे तो हर साल 4 महीना लगाओ, 8 महीना अपना घर कारोबार देखो। अगर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है तो 40 दिन लगाओ, महीने में 10 दिन लगाओ, इतनी हिम्मत नहीं है तो 3 दिन लगाओ। रोजाना 8 घंटा लगा कर एक एक घर एक एक फर्द की मुलाकात करके अल्लाह से नमाज से दीन से जोड़ने की कोशिश करो। इतना नहीं है तो 2.5 घंटा लगाओ। बहरहाल मेहनत करते हुए जीना और मेहनत करते हुए मरने का आज़म करो, क्योंकि सारा मजमा तय करता है कि मेहनत करते हुए जियेंगे और मेहनत करते हुए मरेंगे। अब उसके लिए हिम्मत करके अपने आप को पेश करो कि इंशाल्लाह मैं 4 महीना लूंगा। मैं नहीं कहता कि कल चले जाऊं, जो कल जाएगा अल्लाह की मदद नकद देखेगा, लेकिन आज इस मजलिस में तय करो कि भाई मुझे 4 महीना लगाना है। उसके बाद उसका हम आपको बताएंगे कि किस तरह निकलना आसान हो जाएगा। बताओ हिम्मत करके खड़े होकर कि इंशाल्लाह 4 महीना लगाएंगे। माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए जान।